स्वागत है। हम लोग अभी खंडौली में हैं। आपको बता दें कि खंडौली गिरिडीह जिले का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ये बेंगाबाद प्रखंड में पड़ता है। आपको बता दें कि गिरिडीह से इसकी दूरी तकरीबन 8 किलोमीटर है और बेंगाबाद से भी इसकी दूरी तकरीबन 8 किलोमीटर है। तो ऐसे में एक बीच में ये पर्यटन स्थल है जो आने वाले दिनों में, अभी बता दें कि आने वाले दिनों में अभी ठंड का सीजन है, लोग पिकनिक मनाने आते हैं। एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट भी है ये। यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो देखने लायक है। आपको बता दें कि जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये खंडौली डैम है। यहाँ लोग बोटिंग का भी आनंद उठाते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग बोटिंग कर रहे हैं दूर दराज तक। और आपको बता दें कि यहाँ रोजगार को लेकर भी मत्स्य पालन भी किया जाता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो मत्स्य विभाग का है। वहाँ पे लोग मछली पालन भी करते हैं और कहीं ना कहीं रोजगार से भी यहाँ पे ये डैम लोगों के लिए एक सहूलियत भरा है। और यहाँ बोटिंग की व्यवस्था है। डैम बहुत खूबसूरत है। आप कभी भी अगर आ रहे हो, कभी भी आप NH-114A से गुजर रहे हो तो आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं। इस पर्यटन स्थल तक पहुँच कर आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं। एक बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, आप बने रहें तब तक समाधान इंडिया में। बोटिंग की सुविधा है और बोटिंग का अगर आपको आनंद लेना हो तो आपको यहाँ के बोटिंग जो यहाँ इंचार्ज है उनसे मिलना होगा। विनोद मिश्रा है यहाँ के संचालक। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप सुविधा देते हैं लोगों को और किस तरह की सुविधा आप यहाँ लोग पाते हैं? कितने दिनों से आप यहाँ? मैं यहाँ 6 साल से हूँ। और हमारे यहाँ पैडल बोट है, मोटर बोट है। मोटर बोट में दो तरह की बोटिंग होती है, हाई स्पीड होती है, नॉर्मल स्पीड होती है। और हमारे यहाँ बोटिंग में सबसे पहले सेफ्टी सिक्योरिटी की खास ध्यान रखा जाता है। और हमारे यहाँ लाइफगार्ड सर्टिफाइड है और बिना सिक्योरिटी का, बिना लाइफ जैकेट पहना है हम लोग बोटिंग कराने का अलाउ नहीं करते हैं। और फुली सेफ्टी है बोटिंग के लिए, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। कितना चार्ज पड़ जाता है आप पैडल जो आपका जो बोटिंग है या फिर जो मोटर है उसमें कितना चार्ज पड़ता है? क्या क्या मोटर बोट है 8% 500 का और हाँ एक बोट पूरी 8 सीट की कैपेसिटी है उसमें। और 4 सीटर बोटिंग हाई स्पीड है मोटर वाली जो 500 की है। दोनों रेट सेम है और एक हाई स्पीड है, एक स्लो स्पीड है। बोटिंग स्थल से चलते चलते पहुंच गए हैं पार्क स्थल। अब ये पार्क का नज़ारा है जो आपको हम दिखाएंगे। हम लोगों के साथ यहाँ इसी पार्क में रहते हैं, क्या नाम है आपका? राणा दत्ता। राणा जी, आप यहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं? हम फोटोग्राफी काम करते हैं। फोटोग्राफी काम करते हैं। लोग आते हैं, अभी ठंड का सीजन चलने वाला है, आगामी दिनों में जो है सो लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आएंगे। कितने साल से हैं आप यहाँ? हम यहाँ पर 2002 से हैं। 2002 से हैं। तो क्या रहती है, लोग बहुत संख्या में लोग आते हैं? बहुत संख्या में, आपको दिसंबर जनवरी। तो वैसे में यहाँ पे जो ये जो पार्क है यहाँ कुछ ऐसा भी चीज़ है जो यूनिक हो, ऐसा आपको यूनिक है? ठंडा सीजन मौसम का फूल पौधा लग रहा है अभी। ठंडा सीजन का फूल पौधा, गर्मी में फूल पौधा रहता है। अच्छा, ठंडा सीजन का कौन सा फूल पौधे यहाँ पे? ठंडा सीजन में आपको इनका मिलेगा है, डालिया मिलेगा। अच्छा, डालिया मिलेगा। तो ठंड के सीजन का जो फूल होता है वो भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। ठंड के सीजन का फूल किधर है आप हमें दिखाएं? देखिए, यहाँ लगा हुआ है आपका जी, इनका लगा हुआ है।
ये साइड में इनका लगा हुआ है, ये इनका है। ये क्या चीज का पौधा है? ये गेंदा का है, हाइब्रिड का गेंदा है, छोटा साइज का होता है। अच्छा, बड़ा बड़ा फूल खिलता है। अच्छा, छोटा साइज का हाइब्रिड है ये? गेंदा फूल? गेंदा फूल है। अच्छा, हाइब्रिड का है। ये हो गया आपको पेंजी, हो गया पेंजी। हाँ, पेंजी। ये कितने दिनों में ये फिर आपको? डेढ़ महीना में, एक डेढ़ महीना में। अभी छोटा छोटा गाछी है। अच्छा, इसको तैयार होने में मोटा मोटी एक महीना लगेगा आपको। एक महीना लगेगा? एक महीना में मतलब जब पिकनिक लोग मनाने के लिए आएंगे तो फूल का आनंद, सारा फूल का आनंद मिलेगा। और भी कोई ऐसा फूल यहाँ पे लगाया गया है? देखिए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये आपको साइकस टाइप पे लगा हुआ है, छोटा छोटा पूरा गुच्छा टाइप का होता है। अच्छा, सरसों का खेत जैसा होता है ना, उस तरह का पूरा फूल भर जाएगा यहाँ। अच्छा, उसका लगता है जो सादा फूल बना हुआ है वो गुलाब है? वो गुलाब है? गुलाब है वो। अच्छा, गुलाब। ये साइकस क्या नाम बताया? साइकस, इसका आपको साइकस नहीं है क्या? कसमस, सॉरी कसमस है ये। कसमस पूरा कसमस। कितने दिनों में फिर ये आ जाएगा? सारा आपको एक महीने के अंदर? एक महीने के अंदर सारा पौधा का फूल आपको तैयार हो जाएगा। एक महीने के अंदर सारा फूल यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो ये इसको देखभाल करते हैं लोग यहाँ, तो कौन यहाँ के प्रत्येक दिन पानी देना ये सब? यहाँ माली है। माली है? माली है यहाँ। माली की भी व्यवस्था है यहाँ, जो पौधे लगे हैं एक महीने में, आप जो में जितने भी पौधों के बारे में आपको बताया गया, एक महीने में ये पौधे तैयार होते हैं। जब ठंड के दिनों में लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं तो लोगों को फूलों का भी आनंद यहाँ पर मिलता है। जो है खंडोली पहाड़, एक विशाल पहाड़ है, बहुत ही मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं। और खंडोली पर्यटन स्थल वाकई में एक खूबसूरत स्थल है और गिरिडीह की शान है, लेकिन कुछ कुछ कमियां भी है जो सरकार को इसमें कहीं ना कहीं पहल करने की ज़रूरत है, और जो कमियां हैं वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां अभी खरगोश है, कुछ हाइब्रिड खरगोश भी यहां पे, यही है सर। राणा जी, आप बताइए कि यहां की जो विशेषता है, यहां की जो कोई ख़ास बात है, जो आप 6 साल से हैं यहां पे, क्या लगता है यहां क्या खास है? यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा मनोरम दृश्य यही है, आपको पहाड़ है, विशाल पहाड़, विशाल जलाशय है, उसका बीच में पहाड़ और जलाशय के बीच में जो पार्क है, यही सबसे ज़्यादा यहाँ का खूबी है, जो कि आपका खूबी है सबसे ज़्यादा कि यहाँ इसी के कारण ज़्यादा। और ये है, ये आपको आसपास क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरह का दृश्य, मनोरम दृश्य। मनोरम दृश्य, तो बगल में पार्क है, बगल में पहाड़ है, बीच में पार्क है, एक मनोरम दृश्य है। राणा जी का यहाँ फोटो का छोटा सा शॉप है, ये चलाते हैं, 6 साल से काम कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ भी दी है। अब मेरे पीछे देख रहे हैं बच्चों के स्लाइडिंग की जो व्यवस्था है, वो यहाँ पे बच्चे आते हैं, स्लाइड करते हैं, आगे पीछे चलते हैं, और एक बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। खंडोली आप में से बहुत लोग आए होंगे, लेकिन ये जो नज़ारा है ये दिखाना भी ज़रूरी था, चूँकि आने वाले दिनों में यहाँ पिकनिक लोग मनाने के लिए आएंगे। वो एक सुंदर दृश्य है, इस सुंदर दृश्य का आप नज़ारा अगर लेना चाहते हो तो NH 114A के बगल में ही, आप कभी दुमका रास्ते से गुजर रहे हो तो खंडोली उसी बीच में पड़ता है। ये आप देख रहे हैं बच्चों के लिए है, बच्चे यहाँ खेलते हैं, बैठने की व्यवस्था है, और भी कई व्यवस्था है। पर्यटक स्थल पर खंडोली में आए कुछ यहाँ पे लोग हैं जो आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? कायनात परवीन। कायनात जी, आप यहाँ घूमने आई हैं, कैसा लग रहा खंडोली? अच्छा लगा। अच्छा लगा, कहाँ से आई हैं आप? पराकर, बंगाल से। बंगाल से, अच्छा लग रहा है आपको ये जगह? हाँ, अच्छा लगा, हम लोग अक्सर आते हैं यहाँ, जब गिरिडीह आते हैं तो। जी, खंडोली आए हैं, कैसा लगा खंडोली? बहुत, यहाँ का प्राकृतिक मनोरम बहुत ही सुंदर, अलौकिक है, ऐसा बहुत कम ही मिलता है गिरिडीह में देखने लायक, ठीक है। और एक क्या कहते हैं, छुट्टी के दिन घूमने लायक और बहुत ही अच्छा जगह है, घूमने फिरने लायक, पिकनिक का जो दृश्य बहुत अच्छा यहाँ पर है। और हम समझते हैं बिहार से आए हैं। अच्छा, बिहार से आप आए हैं, तो बिहार से भी लोग यहाँ आते हैं, क्या नाम है आपका? राजा कुमार। राजा कुमार। राधा जी, आप यहाँ आए हुए हैं, कैसा दृश्य है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, हम भी बिहार से। अच्छा, आप भी बिहार से हैं, बिहार से भी लोग आते हैं यहाँ, बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार रजक। मनोज जी, कहाँ से हैं आप? हम बगोदर से आए हैं, घाघरा कॉलेज से। अच्छा, बगोदर से आप आए खंडोली घूमने के लिए, कैसा लग रहा है जगह? बहुत अच्छा लगा, जगह बढ़िया है, पहले भी आए थे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको। हाँ। जी बताएंगे, क्या नाम है आपका? महेश रजक नाम है। कहाँ से हैं आप? बगोदर से आए। बगोदर से, उतना दूर से आप यहाँ चल के आए हैं, यहाँ की लगता है यहाँ तो खास बात होगी। ग्रेजुएशन किए थे, DAV में सेंटर पड़ा था एक बार। अच्छा अच्छा, BA में, समझिए फाइनल परीक्षा में हम लोग और 10-12 लड़का आए थे, इसीलिए घूमने के लिए आए थे उसी टाइम, और फिर आज आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा है, माहौल भी बढ़िया है और पर्यटक भी बढ़िया है, और बहुत पहले भी हम लोग आ चुके थे और फिर इसीलिए आए हैं। फिर खंडोली पर्यटन स्थल आप आए हैं, पार्क घूमेंगे, बोटिंग करेंगे, थकना लाजमी है। वैसे मैं यहाँ कैंटीन की व्यवस्था है,
और कैंटीन की व्यवस्था में क्या क्या मिलता है आइए लिए चलते हैं आपको। क्या क्या व्यवस्था यहाँ कैंटीन है जहाँ अगर आप थक जाएं तो यहाँ आके आप भोजन कर सकते हैं। और यहाँ पे संचालक भी हैं, क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर वर्मा। भुवनेश्वर जी, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ के सैलानियों के लिए, क्या क्या बनाते हैं यहाँ? सर फास्ट फूड आइटम्स है, चाउमीन, मंचूरियन, पनीर चिली, पनीर पकौड़ा, चाय, कॉफ़ी वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। सर फिलहाल तो यहीं से गुजारा है अभी। कितने दिनों से आपका ये कैंटीन? सर ये कैंटीन तो बहुत पुराना है पर हम तो अभी नए नए हैं। और पानी वगैरह की व्यवस्था? जी हाँ, पानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की व्यवस्था है। तो यहाँ पे सब कुछ, आपको अगर भूख लगा हो यहाँ आए, यहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पानी है, आप यहाँ ले सकते हैं। देखा आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप अपने अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि खंडोली आपको कैसा लगा। अगर NH 114A से आप कभी भी गुजर रहे हों तो खंडोली गिरिडीह और बेंगाबाद के बीच में है, आप कभी भी खंडोली का दर्शन कर सकते हैं, यहाँ के अलौकिक नज़ारे का आनंद आप उठा सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें समाधान इंडिया के साथ। कैमरामैन महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, खंडोली।